खाली हो चले कमिंग एक नंबर का झूठा है तू साले। मैंने क्या किया भाई? तूने प्रॉमिस किया था ना दिस टाइम विल स्टे आउट ऑफ ट्रबल, और बीच में तूने क्या सीन क्रिएट कर दिया रोड पे। तू बोलता कुछ और करता कुछ और है आदि, इसको झूठी बोलेंगे ना। हाँ दैट्स राइट, पर वो तो मैंने इसलिए कहा था बिकॉज यू थॉट कि आई वुड एम्बैरेस यू, पर वो तो हुआ नहीं ना मेरे भाई। एंड इफ एनीथिंग यार तू पार्टी का स्टार है ना, क्या दिक्कत? फक दिस पार्टी आदि, पुलिस हमारी गाड़ी ले गई है यार। तो हो गई ना भाई प्रॉब्लम, मां सॉर्ट कर लेगी यार। भाई मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ दिस, क्योंकि हमेशा यही होता है, तूफान और पूल बनने के लिए कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, देन माय आई हैव टू क्लीन अप आफ्टर योर मेस। जो तू हमेशा करता है उसका क्या? आदि बात मत पलट ठीक है, अपनी गलती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो सीख ले। भाई तू ऐसे बात कर रहा है जैसे सारी दुनिया की प्रॉब्लम बस तेरे पास ही है यार। अरे रिस्पॉन्सिबल बन के जो थोड़ा बहुत मजा कर ले तू उसको हमेशा नीचे दिखाता है। अभी तेरे इस मजे के चक्कर में दूसरों पे क्या असर पड़ता है तूने कभी सोचा है? तेरे इस मजे के चक्कर में पूरा स्कूल मुझे सिटी सिटी बुलाता है। तेरे इस मजे के चक्कर में पुलिस हमारी पीछे पड़ गई आदि। मैं फट्टू अपनी गलती तो मान लिया कर। मैं फट्टू खुद की फटती दुनिया को दिखाने से, हाँ अपने प्रॉब्लम्स के पीछे तू छुपता है मेरे भाई। शावर के पीछे तो तू गाना गाता रहता है। यही उम्र है गलती से मिस्टेक, आई नो एवरीथिंग मैन। और जो थोड़ा बहुत दुनिया के साथ हंसी मजाक कर लेता है वो हो गया इररिस्पॉन्सिबल। तू है इररिस्पॉन्सिबल। अरे तू लाइफ में सही चीजों की प्रायोरिटी कब समझेगा यार? क्या जैसे मतलब प्रायोरिटीज व्हाट? ग्रेड्स इन कॉलेज? तू मुझे एक बात बता सेठ, तूने अभी तक कॉलेज का फॉर्म क्यों नहीं भरा? मुझे ये बता तूने। यू डोंट इवन नो योरसेल्फ मैन, कौन से कॉलेज जाना है वो कैसे पता होगा तुझे? एक फॉर्म भरने में तेरी फटती है और तुम मुझे बोल रहे हो। आदि बकवास मत कर ठीक है, अभी ना कुछ और बात हो रही थी। तू मेरे को मत बता कि मेरा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। यू हैव नो आइडिया अबाउट माई प्रॉब्लम्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। यही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, यू यूज्ड टू बी फनी यार, आई यूज्ड टू लुक अप टू यू, बट डैड के जाने के बाद यू बिकम सो अपटाइट एंड सिनिकल यार। लुक एट योरसेल्फ, फक योर प्रॉब्लम्स। मुझे तो लगता भी नहीं कि आई डोंट इवन नो यू। डैड को भी लेके आ रहे बीच में? हाउ डेयर यू ब्रिंग डैड बीच में। माँ ने डैड के जाने के बाद हमारे जो कुछ भी किया है, अगर देखो उसकी थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो वो गाड़ी छोड़ के पार्टी करने नहीं आ जाता। तूने कभी सोचा मम्मी कितना हर्ट होगी? नहीं तूने कभी सोचा मम्मी पे क्या बीतेगी जब उन्हें ये सब पता चलेगा? नहीं सोचा ना आदि, क्योंकि तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यही तेरी प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, फक दिस गाड़ी, मैं वहां से मिलकर कल सॉर्ट कर लूंगा। आई वी आर डन ठीक है, आई एम गोइंग नाउ। सुन अभी कॉल करना माँ को। पागल है क्या? आधी रात को माँ को कॉल करूंगा? क्यों क्यों? तेरी तो फटती नहीं ना अपनी गलती मानने में, तो कर कॉल माँ को, कर सच बताओ ना। कर। मैं तुझे कुछ भी प्रूफ करना जरूरी नहीं समझता ठीक है ना।